एक और बात, सबसे बड़ी बात जो आम जन रोज सिवान की जनता इससे जूझती है, बिना जी मैपिंग का नाला बन रहा है, नाला का पानी का निकासी नहीं हो रहा है। जी मैपिंग के माध्यम से नाला बनता तो पानी का निकासी होता। सिवान सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। इसका कारण है कि जो भी बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। बबलू शाह को अगर आशीर्वाद मिलता है, सुनीत संगीता देवी को अगर आशीर्वाद मिलता है, तो इसमें आप सिवान की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, सिवान की जनता, एक एक गली को मैं जानता हूँ। सिवान की जनता का सबसे बड़ा का समस्या है कि जो अभी नया नया वार्ड जो जुड़ा है, इसमें भी नए नए जो वार्ड जुड़े हैं, वहाँ नाली और गली का समस्या बहुत ज़्यादा है। और सिवान शहर जो है, नाली और रोड तो बन चुका है, लेकिन पानी का निकासी अच्छा से नहीं होता है। सिवान सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। इसका कारण है कि जो भी कूड़ा उठाया जाता है एनजीओ के माध्यम से या फिर नगर पालिका के माध्यम से, हम जब थे तो कूड़ा गिराने का व्यवस्था रखे थे, उसको ले जाकर कहीं भी जला दिया जाता है, कहीं रोड के किनारे फेंक दिया जाता है, जिसके कारण पूरा शहर प्रदूषित हो जाता है। आज मान कर चलिए कि जो बिना जी मैपिंग का नाला बन रहा है, नाला का पानी का निकासी नहीं हो रहा है। जी मैपिंग के माध्यम से नाला बनता तो पानी का निकासी होता। और जो सिवान शहर जो आज भी क्लीन और ग्रीन नहीं है, सिवान शहर आज भी सिवान शहर में नाली की समस्या है, सिवान शहर में आज भी जल जमाव की समस्या है। आज भी सिवान शहर में देखिएगा, कहीं भी पेड़ पौधा आपको नहीं दिखेगा, कहीं भी ग्रीन सिटी के बारे में कोई नहीं सोचा, लेकिन मैंने ये सब कुछ सोच कर रखा है। आपको पता है सिवान शहर में 18 गो पोखरा है, पोखरा, अगर उस पोखरा को बढ़िया से सौंदर्यीकरण कर दिया जाए, बना दिया जाए, तो सिवान शहर में कभी भी वाटर लेवल की समस्या नहीं। थोड़ा सा एक बार और हमारी जनता, हमारे चैनल के माध्यम से, आपने कहा कि सिवान में 18 गो पोखरा है, ये आपने पढ़ा है कहीं कि देखा है कि जानकारी, आपको क्या जानकारी है? लिखा है हम लोग का, जो होता है हम लोग का मैप होता है नगर पालिका का, सब उसमें दर्शाया जाता है। आपको बारे में क्या, आपका पोखरा मान लीजिए एक क्या बोलते हैं, गांधी मैदान के पास है, अंदर जाएगा नई बस्ती में है, एक ठीक है, आपकी जानकारी हम लोगों में है, पोखरा तो सब जगह क्या है, इसके लेके क्या प्लान है आपका? मेरा प्लान है कि जितने भी सरकारी पोखरा है, पोखरा और कुआं सरकारी होता है पोखरा, इसको सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसको सौंदर्यीकरण कराएंगे तो उसमें बरसात का पानी ठहरेगा और वाटर लेवल सही रहेगा। अगर सौंदर्यीकरण होगा तो एक शहर में अच्छा चीज़ मिलेगा लोगों के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए। आज बताइए शहर के लोग सबसे ज़्यादा बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर टहलने और घूमने का कोई जगह नहीं है, कोई पार्क नहीं है। मैं कोशिश करूँगा जहाँ भी सरकारी जगह हो, छोटा छोटा पार्क, छोटा छोटा सौंदर्यीकरण करके, उसको पोखरा का सौंदर्यीकरण करके टहलने के लिए एक ट्रैक बनाऊँगा, जो भी हो सके शहर को स्वस्थ रखने के लिए, शहर वासियों को स्वस्थ रखने के लिए मैं पार्क जरूर बनाऊंगा, टहलने के लिए ट्रैक जरूर बनाऊंगा, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क जरूर बनाऊंगा। ये मेरे मैनिफेस्टो में है और मैं करके दिखाऊंगा, मैंने छोटा सा किया भी हूं और करके दिखाऊंगा। एक और बात, सबसे बड़ी बात जो आम जन रोज सिवान की जनता इससे जूझती है, कूड़े के उठाव के लेके दिन के सुबह से 4 बजे तक शहर के बीचों बीच कूड़ा का उठाव होता है। हमारे साथ बबलू जी हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या विजन है आपको इसके लेके। देखिए, थोड़ा सा अगर नगर पालिका थोड़ा सा ध्यान देती तो कूड़ा 9 बजे के पहले उठ जाता, ध्यान देती नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हम लोग जो थे तो आप देखें 9:30 हार्डली 10 बजे तो कूड़ा सारा उठ जाता था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कारण सिर्फ एक है कि नगर पालिका चाहे एनजीओ कूड़ा को हटाने के लिए, चाहे कूड़ा निस्तारण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। मैंने अभी 3 करोड़ नगर पालिका में पैसा रखा हुआ है कूड़ा को निस्तारण करने के लिए, ताकि कूड़ा को अस्त शस्त्र नहीं फेंका जाए। कूड़ा अगर निस्तारण होगा तो ऑटोमेटिक कूड़ा कम हो जाएगा, इसको आराम से ठिकाना लगाया जा सकता है। निस्तारण का मतलब जो गीला कूड़ा है उसको खाद बनेगा, जो प्लास्टिक है उसको पूरी तरह से कटिंग करके सारा व्यवस्था के लिए, उठाव के लिए, इस मुद्दे यही बोल रहे हैं, कूड़ा का निस्तारण और समय पर उठाओ, क्योंकि अगर समय पर कूड़ा नहीं उठता है तो गंदगी फैलता रहता है। आप देखिए कि कहीं भी व्यवस्था नहीं है। मैं सबसे पहले प्रयास करूँगा कि 7 बजे सुबह तक शहर का पूरा कूड़ा उठ जाए।
हम लोग जब थे तो रात को भी काम कराते थे, रात में भी काम, बड़े बड़े शहरों में रात को भी कूड़ा का उठा होता है, रात में भी काम कराए थे। मैंने चलंत कूड़ादान चलवाया था, जो गली गली घूमता था, चलंत पहली बार मैंने चलवाया था। देखिएगा 2018 में चलंत कूड़ादान मैंने चलवाया था कि जो भी दुकानदार सुबह 10 बजे दुकान खोलता तो नाली में न डाले, उस कूड़ादान में डाले। चलंत कूड़ादान मैं बनवाऊंगा, चलवाऊंगा पूरे शहर में, ताकि इधर उधर कूड़ा नहीं फेंका जाए और कम से कम कूड़ा का जमाव हो। ये सब तरीका है करने का, बस इच्छा शक्ति चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा।